Good morning, my dear students. How are you all? I hope that you all are well. Beta, as you all know that in your previous lecture we have talked about the characteristics of a chemical reaction, where through different examples I have explained to you how the characteristics define a particular chemical reaction. Today is the day when you are going to see, and I am going to perform certain experiments in front of you, okay, so that it will be more easier for you to understand how a chemical reaction works and a lot more about it. So I'm really very excited to show you certain experiments, okay. जो एक्सपेरिमेंट्स पॉसिबल है वो मैं आपको ज़रूर कर बताऊँगी, और जो वो यहाँ हम लाइफ में अभी नहीं कर सकते हैं उसे थ्रू अ केमिकल रिएक्शन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट एंड द रीज़न व्हाई दे आर हैपनिंग, व्हाट इज़ द प्रोडक्ट फॉर्म एंड ऑल. ओके, तो ये हम सब कुछ डिस्कस करेंगे आज. इसके अलावा हम देखेंगे दो तरीके के एक्सपेरिमेंट्स जिससे हमें पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शंस में जब प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसके रिजल्ट ऐसे क्यों होते हैं, या जो कैरेक्टरिस्टिक्स जुड़े हुए हैं वो उन पर्टिकुलर उस बेसिस पर ही हमने केमिकल रिएक्शंस को डिफाइन किया है, या उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या किया है, कैरेक्टराइज किया है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक, दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, वेयर वी विल बी परफॉर्मिंग सर्टन एक्सपेरिमेंट्स. लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट वेयर वी हैव टॉक अबाउट व्हाट बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम. Burning of magnesium in air. So, beta, this is particularly a reaction where I really wanted to show you. But since this is a chemistry lab and there are certain chemicals and things that have been kept which are quite inflammable. Okay, so I'm not going to perform this experiment because in this experiment it gives out a very dazzling flame after a few minutes. Okay, whenever we expose this magnesium with air or oxygen, okay, after a few minutes you will see a dazzling flame. Okay, so that is quite risky actually. I am going to show you this experiment but outside the lab. Okay, wait for it, but I am definitely going to explain this to you. तो चलिए बात कर लेते हैं मैग्नीशियम की. क्यों मैग्नीशियम जब एयर के साथ एक्सपोज होता है तो एक डार्जलिंग फ्लेम देता है. ओके, बहुत ही एकदम ऐसा आपको लगेगा कि कोई बहुत बड़ी फ्लेम देखने मिलेगी और स्पार्क देखने मिलेगा, और वो एकदम अचानक से आता है. डार्जलिंग फ्लेम कहते हैं हम इसे. तो क्या रीज़न है इसके पीछे? देखिए, जब कभी भी मैग्नीशियम इज एक्सपोज विद एयर, ओके, वी विल अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ एन रिएक्शन. तो मैग्नीशियम एयर के साथ एक्सपोज हो रहा है, मतलब यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीजन प्रेजेंट है. ओके, सो व्हेनेवर दिस मैग्नीशियम इज गेटिंग रिएक्टेड विद ऑक्सीजन, व्हाट वी आर गेटिंग? वी आर गेटिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड. ओके, व्हाट वी आर गेटिंग? मैग्नीशियम ऑक्साइड. So this particular magnesium oxide is responsible for this dazzling flame. ये किस लिए है? जब भी magnesium oxide बनता है तो एक तरीके की हमें dazzling flame जो है वो दिखाई देती है. This reaction is not balanced. Okay, this reaction is not balanced. How to balance this reaction? We will be studying in your upcoming classes. तो ये अभी pending है. आप अभी से वैसे ही समझिए कि जब कभी भी आप ये एक्सपेरिमेंट करेंगे तो देर आर लॉट ऑफ प्रिकॉशन दैट यू नीड टू बी टेकन. ओके, दैट यू नीडेड टू बी टेकन. सो हियर व्हाट इज हैपनिंग हियर, मैग्नीशियम ऑक्साइड इज एज अ प्रोडक्ट इज गेटिंग, यू नो, वी आर गेटिंग अ प्रोडक्ट, एंड एज अ प्रोडक्ट व्हाट इट इज गिविंग हियर दिस डार्जलिंग फ्लेम. इन द फॉर्म ऑफ डार्जलिंग फ्लेम वी आर गेटिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये बहुत सारी जगह पर आपको MCQs और शॉर्ट आंसर्स में पूछा जाता है कि वैन पर्टिकुलरली वैन मैग्नीशियम इज इन कॉन्टैक्ट विद ऑक्सीजन, और वैन रिएक्टेड और एक्सपोज विद ऑक्सीजन, वॉट हैपन्स एंड वाई इट हैपन्स. सो बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म, वी सी अ डार्जलिंग फ्लेम. ओके, now let us do another activity, that is not reaction, I would say it is just a mixing. Okay, mixing of lead nitrate
चलिए, तो जब कभी भी मिक्सिंग ऑफ लेड नाइट्रेट होता है पोटेशियम आयोडाइड के साथ, इट फॉर्म्स अ येलो कलर पीपीटी। सी बेटा, दिस लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड बोथ आर ट्रांसपेरेंट, ओके, दीज आर व्हाट सॉलिड आई वुड से आयोनिक कंपाउंड्स व्हिच आर ट्रांसपेरेंट इन कलर, व्हेन दे आर कंबाइंड, व्हेन दे आर मिक्स टुगेदर, इट फॉर्म्स अ येलो कलर पीपीटी। एंड व्हाई डज दिस येलो कलर पीपीटी इज फॉर्म, लेट अस सी। ओके, सो आई हैव हियर लेड आयोडाइड, सॉरी लेड नाइट्राइड एंड पोटेशियम आयोडाइड। आई एम गोइंग टू परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट इन फ्रंट ऑफ यू। ओके, सो आई हैव टू टेस्ट ट्यूब्स, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो पहले वाले में हम बहुत ही थोड़ा सा स्पैचुला से यहाँ पर मैंने देखिए बहुत थोड़ा सा कंपाउंड लिया है, ठीक है। एंड अब मैं दूसरे टेस्ट ट्यूब में लेड नाइट्रेट लूंगी, ठीक है। इन द नेक्स्ट टेस्ट ट्यूब वी आर गोइंग टू एड वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड, सी दिस वन, ओके। So we have two compounds, okay. Now what I'm going to show you how they are dissolved, okay. I have taken small quantity of particular water. As you can see, this is totally transparent. It is quite translucent. है ना, दोनों का color जो है लगभग बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा है, ये lead iodide है, this is potassium iodide and this one is lead nitrate, okay. ये थोड़ा सा आपको बल्की दिख रहा है, देखिए इसके नीचे कंपाउंड ये डिजोल्व होने का है, थोड़ा सा इसको मैं शेक करके डिजोल्व कर लेती हूँ। है दोनों ही ट्रांसपेरेंट, है ना, हम ये नहीं बोल सकते कलरलेस है ना, ट्रांसपेरेंट तो ये है, इसको भी हम कलरलेस बोल सकते हैं, इसका कोई कलर नहीं है। अब देखिए, अब दोनों है तो स्टार्टिंग में ही ट्रांसपेरेंट कलरलेस, लेकिन जब मैंने पोटेशियम आयोडाइड को लेड नाइट्रेट में मिक्स किया, आप देखिए यहाँ पर दिस येलो कलर पीपीटी इज फॉर्म। इन योर प्रीवियस लेक्चर आई हैव टोल्ड यू दैट दिस इज व्हाट, दिस इज अ येलो कलर पीपीटी। आप अगर पास से देखेंगे तो एक तरीके का प्रेसिपिटेट बना हुआ है ना, जो मैं पीपीटी कह रही हूँ दिस इज नथिंग बट द प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो अब देखिए ऊपर पूरा ट्रांसपेरेंट सा आपको वाटर दिखेगा और नीचे जो है येलो कलर का ये लेड आयोडाइड जो है वो सेटल डाउन हो गया है। अगर मैं इसे वापस से शेक करूं, इट विल शो यू अ डार्क येलो कलर, राइट। तो ये एक्सपेरिमेंट है ना, ये क्यों किया है हमने बताइए, क्या क्या सोच के आपको ऐसा लगता है कि आज मैंने ये इंक्लूड किया होगा आपके वीडियो में। देखिए सबसे पहला रीज़न आपको ये बताने का कि जब कभी भी दो पर्टिकुलर रिएक्शंस हो रहे हों, एक केमिकल दो कंपाउंड्स का रिएक्शन हो रहा हो, एक पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन चल रही हो, तो इट डजंट मैटर कि रिएक्टेंट में किस तरीके का कलर टेक्सचर प्रॉपर्टीज हो रही हैं, जब वो प्रोडक्ट बनते हैं तो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, देयर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ टोटली डिफरेंट सब्सटेंस, है ना, टोटली डिफरेंट कंपाउंड बन जाता है वो, ना उसकी प्रॉपर्टीज मैच करती है, ना उसका कलर, ना ही उसका टेक्सचर, ना ही और सारी चीज़ें, है ना। तो यहाँ केमिकल रिएक्शन में भी ऐसे ही हो रहा है, वी हैवंट डन बॉन्डिंग और एनी सॉर्ट ऑफ यू नो, वी हैव जस्ट सिंपली मिक्सड पर्टिकुलर टू कंपाउंड्स विद ईच अदर, बट दिस गिव्स व्हाट, दिस वॉज ट्रांसपेरेंट, दिस वॉज ऑल्सो ट्रांसपेरेंट, बट इट गिव व्हाट, अ येलो कलर पीपीटी, येलो कलर प्रेसिपिटेट। तो ये येलो कलर प्रेसिपिटेट किसकी वजह से आया, जब लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट करते हैं। अब लेड नाइट्रेट का जो फॉर्मूला है दैट इज PbNO3 ट्वाइस, ओके, और इज द फॉर्मूला PbNO3 ट्वाइस। अगर आप थोड़ा सा नाइन्थ स्टैंडर्ड में जब मैंने आपको ऑक्सीडेशन स्टेट्स पढ़ाई है,
अगर आपको उसका याद हो तो पता होगा आपको कि लेड का जो ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कैसा है, 2+ में है, राइट। जबकि नाइट्रेट का कितना है, नाइट्रेट का है नेगेटिव, ठीक है। अब यहाँ पर ये 2+ स्टेट में है और ये सिंगल नेगेटिव है, तो इसको इसके साथ बैलेंस करना पड़ेगा। तो इसको इसके साथ बैलेंस करने के लिए क्या बन गया, PbNO3 ट्वाइस। किसके साथ रिएक्ट करना है, ये पोटेशियम आयोडाइड के साथ, ठीक है। अब पोटेशियम आयोडाइड ये किस फॉर्म में है, पोटेशियम होता है एक पॉजिटिव चार्ज के साथ और आयोडाइड होता है एक नेगेटिव चार्ज के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव पॉजिटिव है, ये नेगेटिव नेगेटिव है। अब यहाँ इन दोनों के बीच रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। अब उस करिए ये 2+, ये नेगेटिव, ये प्लस, ये नेगेटिव। अब यहाँ क्या हो रहा है, हमें क्या मिला है, येल्लो कलर PPT, और ये येल्लो कलर PPT किसकी वजह से है, लेड आयोडाइड की वजह से, ठीक है। दैट इज PbI2, ओके। ये किसकी वजह से है, PbI2, एंड व्हाट वी आर गेटिंग, KNO3, ओके, पोटेशियम नाइट्रेट। तो यहाँ देखिए, दिस इज एन आयोनिक एक्सचेंज, इट्स अ चेंज एक्सचेंज ऑफ व्हाट, आयंस। यहाँ पर क्या हो रहा है, आयंस जो है वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो रहे हैं। ये देखिए PB यहाँ पर 2+, ये नेगेटिव, इसलिए 2 बन गया, ये एक पॉजिटिव, ये एक नेगेटिव, समझ रहे हैं आप। तो जब कभी भी पर्टिकुलरली कोई आयोनिक सॉलिड कंपाउंड जो है वाटर के साथ रिएक्ट करता है, इट गिव्स व्हाट, डिस्प्लेसमेंट, इट डिस्प्लेसेस इट्स आयंस, ओके। सो वो क्या करता है, एक्सचेंजेस इट्स आयन। तो जब कभी भी यहाँ एक्सचेंज ऑफ आयंस आपको देखने मिले तो वो क्या होगा, एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ व्हाट, पर्टिकुलर दस दिस कंपाउंड, ओके। आयंस आर गेटिंग एक्सचेंज विद ईच अदर, क्योंकि अब यहाँ पर दो अलग अलग कंपाउंड्स के आयन जो है वो एक्सचेंज हो रहे हैं, है ना। ये भी एक कंपाउंड है, ये भी एक कंपाउंड है, ये अलग है, ये अलग है। तो दो अलग अलग कंपाउंड्स की वजह से यहाँ पर क्या बन गया है, ये एक है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू योर 10th स्टैंडर्ड, ये वाला पार्ट आपको पूछा ही जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, टू एक्सप्लेन विद डिफरेंट एग्जांपल्स। अब मैंने यहाँ पर लेड आयोडाइड का एग्जांपल देकर आपको येलो PPT और उसका बताया कि किस तरीके से एक्सचेंज होते हैं आयंस। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है, जिसको हम डिटेल में और पढ़ेंगे जब हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ेंगे। पर मेन आपको बताने का मोटो क्या है कि जब कभी भी दो कंपाउंड्स के दोनों अलग अलग आयंस एक दूसरे के साथ एक्सचेंज होते हैं, उस पर्टिकुलर व्हेन पर्टिकुलरली व्हेन दे आर रिएक्टिंग विद वाटर, ओके, उस पर्टिकुलर रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़िए और इसके नोट्स अच्छे से बनाइए आप। चलिए अब एक और एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं, थर्ड एक्सपेरिमेंट जो कि आपके बुक में भी दिया हुआ है, रिएक्शन ऑफ जिंक ग्रैन्यूल्स, ओके, विथ HCl, ओके। तो यहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ आपका रिएक्शन है कौन सा, जिंक ग्रैन्यूल्स का। चलिए अब जिंक ग्रैन्यूल्स में आपको बता देती हूँ कैसे दिखते हैं। अगर आप अभी स्कूल यहाँ मेरे पास होते तो मैं आपको ज़रूर मीन्स फिज़िकली अगर स्कूल ओपन होता तो ये एक्सपेरिमेंट्स और भी ज़्यादा आपको मज़ेदार लगते। मुझे उम्मीद है कि जब कभी मैं फिज़िकल क्लासेस स्टार्ट होंगी और आप ये एक्सपेरिमेंट्स खुद कर देखेंगे, यू विल बी यू नो मोर इंटरेस्टेड इन लर्निंग एंड यू नो एक्सप्लोरिंग केमिस्ट्री। तो चलिए अभी हम देख लेते हैं, ये देखिए ये जो है ये जिंक ग्रैन्यूल है, ठीक है, आपको दिख रहा है ये जिंक ग्रैन्यूल है। आई टेक वन दिस ट्यूब, ओके। अब यहाँ मैं क्या कर रही हूँ, मैं बस इसको पोर करूँगी, ठीक है। यहाँ कोई कुछ नहीं है, सिर्फ प्लेन वाटर से मैंने वॉश किया है और इसके अंदर ग्रैन्यूल्स हैं।
हाँ ये ग्रैन्यूल जैसा दिखता नहीं है लेकिन इन्हें जिंक ग्रैन्यूल्स ही बोलते हैं क्योंकि ये जिंक के छोटे छोटे पीसेस हैं इसलिए उन्हें ग्रैन्यूल्स बोलते हैं। मुझे पता है आपकी नज़र में ग्रैन्यूल्स की डेफिनेशन थोड़ी अलग होगी बट दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड अ ग्रैन्यूल। ओके नाउ दिस इज़ आई हैव H2SO4। यहाँ देखिए आइदर इन दिस रिएक्शन यू कैन यूज़ डाइल्यूट H2SO4 दैट इज़ रिएक्शन विथ माइल्ड एनी माइल्ड एसिड। ओके सो आदर यू कैन यूज डाइल्यूट HCl और यू कैन यूज डाइल्यूट H2SO4। सो आई हैव दिस डाइल्यूट H2SO4। व्हाट आई एम गोइंग टू डू आई एम गोइंग टू पोर सम इनटू दिस। अब देखिए यहाँ पे आपको बबल्स दिख रहे हैं, आपको आवाज़ भी आ रही होगी है ना। देखिए अब ये बबल्स जो हैं ये क्या कर रहे हैं, क्यों फॉर्म हो रहे हैं, बिकॉज देर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ अ गैस। ओके दिस गैस इज गेटिंग इवॉल्व। नाउ यू माइट बी थिंकिंग कि मैम ये कौन सी गैस है। सो टू फाइंड इट आउट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू टेक अ पर्टिकुलर स्टॉपवॉच। ओके एंड देन यू हैव टू पुट इट थ्रू इट। चलिए मैं आपको बताती हूँ कैसे। देखिए मेरे पास इस तरीके का है, आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, एक और स्टॉप वॉच आता है जिससे हम एक्सपेरिमेंट करते हैं है ना, ये वाला। लेकिन अब इसके अंदर से हमें अगर बबल्स पास करनी है तो थोड़ा सा आपको प्रेजेंट रहना पड़ेगा यहाँ, तब जाकर होगा वो। ये बबल्स जो फॉर्म हो रही हैं, अब आपको क्या करना है, ये जो बबल्स फॉर्म हो रही हैं ओके इसको एक मैंने सोप बबल जो होते हैं उसको तैयार किया है उसके अंदर पास करनी है। ठीक है इस तरीके से। ओके मैं आपको बताती हूँ। ओके तो अब ये डिलीवरी ट्यूब को मैंने क्या किया है, यहाँ पर इस तरीके से इंसर्ट किया है। तो जैसे जैसे ये बबल्स जो है इसके अंदर जाएंगे है ना, तो यहाँ ये बबल्स फॉर्म होंगे। अब जब ये बबल्स फॉर्म होते हैं तो ये आपको पता है ना बबल्स उड़ते हैं। अब जैसे पता करना है आपको कि ये कौन सी गैस है ना। अब मैं ये जो इसके आगे वाला एक्सपेरिमेंट है वो मैं आपको कल करने चाहूँगी क्योंकि उसमें क्या करना है आपको, जब वो जो बबल्स फॉर्म हो रहे हैं उसको फाइंड आउट करने के लिए वेदर इट्स अ हाइड्रोजन गैस और नॉट, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू टेक सर्टन काइंड ऑफ बर्निंग सब्सटेंस टुवर्ड्स इट। अगर मैं उसके पास सपोज कोई बर्निंग सब्सटेंस है ना लेकर जाती हूँ, देखिए बर्निंग मैं एक लाइट कर लेती हूँ और मैं ट्राई करती हूँ, अगर रिस्की ना हुआ तो मैं आपको ये ज़रूर दिखाऊंगी। तो जब जब ये बबल्स फॉर्म होते हैं इसको स्टॉपवॉच के थ्रू हमें करना होता है, वरना ये कैसे हैं, ये पॉप होते हैं, जैसे पटाखे फूटते हैं उस तरीके से ये पॉप होते हैं, बिल्कुल एक पॉप साउंड सुनाई देता है हमें। तो वो मैं आपको नहीं करके बताऊंगी बिकॉज अगर वो बबल्स यहाँ वहाँ फूट गए, यू नो ये केमिस्ट्री लैब है, ये हम यहाँ नहीं कर सकते, आप फिजिकली प्रेजेंट होंगे तब हम ज़रूर ये चीज़ कर देखेंगे। तो ये बबल्स कैसे पता चला कि ये हाइड्रोजन है ना, इसका बेस्ट तरीका है पता करने का, सबसे पहली चीज़ एक कॉमन सेंस जो हम यूज़ करेंगे कि यहाँ जब जिंक जो है वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, माइल्ड एसिड, जिसमें आइदर इट कुड बी HCl और इट कुड बी H2SO4, कोई भी हो सकता है। अब HCl भी है तो भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और अगर H2SO4 है तो भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो पहला तरीका जहाँ हमने बताया, लेकिन वी नीड अ प्रूफ है ना, हम देख कर नहीं बता सकते, वी ऑल्सो नीड अ प्रूफ। तो जब ये ग्रैनुलेटेड जिंक के साथ रिएक्ट कर रहा है और जो बबल फॉर्म हो रहे हैं, जब हमने इसे सोप बाथ से पास किया और उसके पास एक बर्निंग कैंडल या बर्निंग सब्सटेंस हम लेकर जाते हैं तो हमें एक पॉप साउंड सुनाई देता है। तो ये पॉप साउंड हमेशा हमें सिर्फ हाइड्रोजन गैस के साथ ही सुनाई देता है। जहाँ कहीं भी हाइड्रोजन गैस का हमें अगर डिटेक्शन करना हो तो उसके पास अगर हम बर्निंग सब्सटेंस को लेकर जाए तो हमें एक पॉप साउंड जो है वो सुनाई देता है। इसके बिहाफ पर हम बता सकते हैं कि येस दिस इज़ वॉट, दिस इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ और इवोल्यूशन ऑफ पर्टिकुलर हाइड्रोजन गैस है ना, ये आप अच्छे से बता सकते हैं। और इसका बहुत ही हाइड्रोजन गैस की स्मेल भी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है ना, जिसको आप यू नो
कह सकते हैं कि बहुत अच्छे से फील करके बता सकते हैं कि हाँ ये स्मेल जो है ये हाइड्रोजन की है। तो पर्टिकुलरली ये सब रिएक्शंस बताने का तरीका ये था कि देखिए एक सॉलिड चिप के फॉर्म में था, जब एक लिक्विड के साथ रिएक्ट हुआ तो उसमें हमें क्या मिला, हमें मिला जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस वॉज इवॉल्व। इसकी रिएक्शन आप देख लीजिए, ZN प्लस HCl गिविंग यू ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन इज गेटिंग लिबरेटेड। ओके, ये रिएक्शन में क्या हो रहा है, जिंक ग्रैनुल जो वो डायोड एसिड यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं गिविंग यू वॉट, जिंक क्लोराइड एंड हियर लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन इज गेटिंग। ओके, सो हाइड्रोजन गैस जो है वो उसका फॉर्मेशन हो रहा है, वो इवॉल्व हो रही है। सो इस पर से हमने फाइंड आउट किया। तो ये तीनों एक्सपेरिमेंट्स जो है आपके बुक और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आपको ये समझ में आए हो। सो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम ये पेंडिंग है हमारा, सून दैट विल बी यू नो शोन टू यू। ओके, अगर ये फिजिकल क्लासेस में पॉसिबल होगा तो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू शो इट टू यू। आई होप दैट एवरीथिंग दैट आई टॉक टू यू रिगार्डिंग डबल डिस्प्लेसमेंट एंड दिस रिएक्शन ऑल्सो यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। प्रिपेयर द नोट्स प्रॉपरली एंड यू नो स्टडी वेल बिकॉज दिस टॉपिक्स आर रियली इम्पॉर्टेंट। इन योर नेक्स्ट चैप्टर सॉरी इन योर नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी स्टडिंग अबाउट बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन, दैट इज रियली टू इम्पॉर्टेंट। ओके, गुड डे स्टूडेंट्स, टेक केयर।